यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात किसे कहते हैं, यानी पावर जिसकी घात या पावर 2 होनी चाहिए। जरा मैं एक बार लिख के बताऊं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघात, ये तो है बहुपद, और इसके आगे अगर 0 लगा दो बन जाएगा समीकरण। आपने बहुत सारे गुणनखंड किए हैं, तो बहुत सारे गुणनखंड में केवल इसका नाम समीकरण हो गया है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बता दो ताकि मैं शुरू करूं। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कभी आपको पूछे तो आपको लगना चाहिए कि मुझे सब आता है। हाँ, कभी आप बड़ी क्लासेस में जब जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो इंग्लिश में भी तो सारा काम पढ़ने वाला है ना। चलिए शुरू कर रहे हैं। सभी लोग तैयार हो गए? बुक खोल ली, विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। कभी कभी कुछ कंडीशन आती है, ये एक कंडीशन है ना। ये उदम मान लीजिए धर्मा ट्रस्ट में 300 वर्ग मीटर प्रार्थना कक्ष बनाना है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज़्यादा हो, यानी कि मान लिया लंबाई है उसकी x और चौड़ाई उसकी जो नहीं चौड़ाई है x, लंबाई हो जाएगी 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 300 वर्ग मीटर। बस ये आ गई इक्वेशन, सब पढ़ा हुआ है हमने। और इसको जब इसको सेट कर दिया, ये हमारी जो इक्वेशन थी, इसको जब अपने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 किया, इसको जरा मिटाओ, 300 किया तो ये 0 आ गया। ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण किस किस ने इसका आविष्कार किया? यूक्लिड ने किया, फिर अपने भारत के ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी में, फिर उसके बाद आए श्री धराचार्य, इन्होंने सभी ने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पे काफी भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र दिए। श्री धराचार्य का तो सूत्र बहुत फेमस है, अभी अपन पढ़ेंगे उसको आगे। चलो सीधे आ जाते हैं द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या है? मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर की एक संख्या, एक्स की एक संख्या और एक अचर, कांस्टेंट अचर संख्या, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। चलें आगे। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है, बताओ आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, कैसे करेंगे? माना कि एक के पास, जॉन के पास x थे, तो जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स, है कि नहीं, है कि नहीं? जॉन के पास मान लो x, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स,
अब इसके भी पड़ गए पाँच कम तो ये हो गया x माइनस फाइव, इसके पड़ गए पाँच कम तो ये हो गया चालीस माइनस एक्स। दोनों को करो गुणा, बोल रहा है दोनों का गुणा 124 होता है। ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया कि आया कि नहीं आया? बहुत इजी इजी चीजें अभी एग्जांपल शुरू हुए हैं, वापस से देख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग है। जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे, जॉन के पास एक्स थे और जीवंती के पास थे 45 में से एक्स घटा दो बचे जो, दोनों के पांच पांच कंचे खो जाते हैं, उनका गुणनफल 124 है। तो बताओ ये अपना पहला दोनों का गुणनफल 124, इसको खोलना तो आता होगा दोनों कोष्टकों को, कर लोगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस चार पंजे 20 यानी 200 प्लस सॉरी हाँ प्लस 5x इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व करोगे, करो सॉल्व, देखे सॉल्व करो निकालो, माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, करो। ये इक्वेशन आनी चाहिए, प्रैक्टिस करते चले जाओ, मजा आता है। दूसरा कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जोरदार क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? x और 55 माइनस एक्स, क्या किया मैंने? एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए कि 55 में से एक दिन में मान लिया एक दिन में निर्माण किया x और रुपए हैं 55 में से एक दिन का निर्माण की संख्या घटा दो, तो किसी एक दिन निर्माण लागत इतनी थी, दोनों को गुणा करो तो ये निर्माण लागत है। बड़ा अजीब है ये, इसको करके रखा है इन्होंने, ये पहला तो अपने कर ही लिया था निर्माण लागत, ये दोनों को गुणा किया, फिर इसको दोनों को गुणा करके इन्होंने ये इक्वेशन बनाई। एक बार आप भी बना लीजिए, सिर्फ देखने से, मैथमेटिक्स में कुछ भी देखने से काम नहीं चलता है। सेम यहां पर आप पहुंचे, एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब सॉल्व अपने को करना है, ऐसे नहीं कि ये आ गया, नहीं, करो सॉल्व, मल्टीप्लाई करो और ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन आनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही शुरू कर रहे हैं अपन। चलो उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। अब इन्होंने क्या कहा है कि जांच कीजिए कि निम्न संघ जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। अब ये चारों को जरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। और इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए और एक्स का भी आना चाहिए और कांस्टेंट भी आ रहा है, ऐसी फॉर्मेट में आ जाएगा तो समझ लेना कि ये द्विघात समीकरण है। करो सॉल्व, पहला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए कोई भी नहीं बैठेगा। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3, करो सॉल्व, इसको मैंने होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1
इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर इसको इधर लाया माइनस सिक्स एक्स और प्लस हो गया एट, ये मेरी इक्वेशन आई, ये इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। आ गई सबके, करते जाओ बड़ा मजेदार मजेदार, सभी क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट बैठेगा नहीं, करते रहेगा। सेकंड वाला इसको सॉल्व करिए, ये मैंने किया इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और ये डायरेक्ट मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्यों आया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबको फॉर्मूला याद है, ये मैंने कर दिया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एक्स प्लस ट्वेल्व, ये तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा क्या कहता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये इन्होंने यहां किया है, हाँ? इसको जरा ले बायां पक्ष दायां पक्ष क्या किया इन्होंने, इसको हाँ बायां पक्ष को लेके लाए, फिर दोनों को सामने रख दिया और ये भी आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब चौथा वाला थोड़ा अलग है, ये चौथा वाला जो है उसमें क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है क्यूब, तो ये द्विघात है कि नहीं, सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस टू का होल क्यूब खोलना आता है कि नहीं आता है, सब सब बच्चे बताओ मेरे को, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है कि नहीं, रखो 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 रखिए, ये मैंने रख दिया, सॉल्व करिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और बचेगा ये, द्विघात समीकरण है। शुरू करूं अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, आपके लिए बहुत अच्छी कसरत आई है, सभी ये बहुत इजी चीजें हैं बच्चों, मजा आता है, और ये करते करते आपको लगेगा कब मुझे ये इक्वेशन समझ में आ गई, अरे तो बहुत इजी है, लेकिन नहीं करोगे तो लगेगा अरे ये तो बहुत टफ है। शुरू कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने खोला 2x प्लस माइनस सिक्स खोल दिया, फिर मैंने वो क्या करना है एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर लाऊंगा तो ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरो इसमें ये वाला भी ऐसा लिख सकता हूं, तो सर उसमें क्यों नहीं लिखा था, अभी अभी आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपने सर ऐसा क्यों बोला था, देखो यहां क्यों बोला था भाई, यहां भी तो जीरो लगा सकते थे, लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है, इसमें ये एक्स स्क्वायर तो अपने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों, ये मेरा आ गया। चलो सेकंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है? क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू थ्री माइनस एक्स, देखो प्रैक्टिस करते हैं तो ये माइनस प्लस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, सभी बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो माइनस प्लस की बड़ी प्रैक्टिस होती है, फिर कभी गलती नहीं होती, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू एक्स, इसको जरा इधर लाएंगे तो ये बन गया एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
नंबर तीन करो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस, ये तो कट रहा है तो ये तो एक्स एक्स रह गया। ओहो ये तो भाई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं। फोर्थ नंबर, इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये हाँ ये टू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस फाइव एक्स और माइनस सिक्स एक्स, ये माइनस सिक्स एक्स करो ना, क्या है ये सिक्स एक्स करो, सिक्स एक्स है ना भाई, तो ये इलेवन एक्स आना चाहिए, तो ये आ गया माइनस करते, तो ये मेरा आंसर द्विघात समीकरण है। फिफ्थ, करो मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, इसको इधर लाया एक्स स्क्वायर को, एक्स को भी लाया और इसको भी लाया, ये मेरे पास आ गया। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको वापस से रन करके देख सकते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया, तो या फिर पहले से सारे क्वेश्चन करके तैयार रखिए तो वीडियो के साथ चलेंगे। सिक्स्थ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं ये नहीं है, नो इसको खोलो, एक्स प्लस टू का होल क्यूब खोलो, एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब एट, थ्री ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू निकाला हुआ है, करो सॉल्व, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स टू एक्स, अब ये एक्स क्यूब आ रहा है, हाँ यहाँ पर एक्स क्यूब कटा नहीं है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। एट्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसको जरा सॉल्व किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और ये आ गया, तो ये तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, हो गए सारे, सभी ने कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर टू को करेंगे, मजेदार क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, माना कि चौड़ाई है सबसे छोटी है ना, चौड़ाई को x मानो, लंबाई हो जाएगी दुगुने से एक ज़्यादा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू 528, सही है क्या, ये लंबाई ये चौड़ाई x इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 528, ये मेरी इक्वेशन आ गई। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दे रखा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो एक तो वो है क्या कहते हैं क्रमागत है, तो मान लीजिए पहला x है, मान लीजिए पहला x है और दूसरा हो जाएगा x प्लस वन, दोनों का गुणा 306 है, करो सॉल्व, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं अभी, सॉल्यूशन बाद में करेंगे, अभी अपन इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु वर्षों में गुणनखल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मान लीजिए रोहन की उम्र है एक्स, उसकी मम्मी की है 26+X। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल यानी एक्स प्लस 3 और 26+X+3 का गुणा होना चाहिए 360। 3 साल बाद, अभी तो 26 साल बड़ी है ना, 3 साल बाद की बात हो रही है। ये मेरा फॉर्मूला आया क्या? ये तो मैंने ले लिया प्रेजेंट, ये मेरे को ऐसे लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इजिकल 360। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इक्वेशन आएगी। करिए सॉल्व, पहले इक्वेशन बनाना सीखिए, लाना सीखिए, समझिए क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व करना सीखिए। बिल्कुल शांति से एक एक चीज को करते जाना, बिल्कुल भी भागना नहीं है। पहली बार बिल्कुल नहीं भागना है। जब सेकंड रिवीजन करोगे आप तो थोड़ा स्पीडली कर सकते हो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती। अच्छा अच्छा साहब, अच्छा मान लीजिए उसकी चाल है x और अगर वो 8 कम होती यानी x माइनस 8 होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। कैसे करेंगे? मान लीजिए उसकी चाल x और x माइनस 8 यदि हो जाती, हमारे पास फॉर्मूला बार बार बताता हूं, पिछले वाले में भी बताया था, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी। तो यहां पर टी वन है ये और टी टू, हमने ये ले लिया और दोनों की बात करें तो 3 घंटे ज्यादा लेगा, यानी टी टू जो है सेकंड वाला टाइम वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा। ये मेरा फॉर्मूला आया, ये बड़ा जोरदार है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले को समझ लिया, पहला वाला स्पीड बराबर है, दूसरी वाली स्पीड बराबर है, टी टू और टी वन में कितना फर्क है 3 घंटे का, लिख लें टी टू माइनस टी वन इजिकल टू 3, ये लिख लिया। अब करो इसको सॉल्व, इसको पहले एलसीएम ले लो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको ऊपर आ गया 480x माइनस 480x आ रहा, प्लस ये 34840, ये 3x स्क्वायर माइनस 20। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, यहाँ से ये कट रहा है, ये बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 30, इसमें भी 3 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये आ गया, अब मेरी इक्वेशन आई ये वाली। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार दो बार समझ के करते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पे पहुंचने के बाद ये कैलकुलेशन तो बच्चों सब करो, जो कैलकुलेशन नहीं करेगा उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। आंसर तक पहुंच गए ना, ये आंसर लिख लो सब। चलूं आगे, अब आते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। हमने द्विघात समीकरण जब जब पढ़े थे तो हमको, हम क्या करते थे, मध्य भाग के क्या करते थे, टुकड़े कर लेते थे। गुणनखंड को हल करना तो हम जानते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अगर इसको करना है तो क्या करोगे, 2 3 6 टुकड़े कर लेंगे,
तो 2x² - 3x - 2x + 3 = 0 आता है कि नहीं आता है गुणनखंड को हल करना? भूल गए क्या? बस तो कर लो। ये उदाहरण नंबर 3, ये मैंने इसको हल कर दिया। x कॉमन लिया 2x - 3 - 1 कॉमन लिया 2x - 3, ये मेरे पास आ गया। एक बार मैं क्या करूंगा, 2x - 3 को 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा 3/2। फिर दूसरी बार क्या करूंगा, x - 1 को 0 रखूंगा, x = 1 आ जाएगा। तो मेरे दो सॉल्यूशन हो गए, x = 1 and 3/2। इजी है, इजी है कि नहीं है? ये टुकड़े किए, ये टुकड़े किए, उसके बाद ये 3/2, इसको आगे, अब मेरे पास ये आंसर आ गया। करो सभी सॉल्व, सभी बच्चे सॉल्व करो, बच्चों करिए सॉल्व। अगले उदाहरण करें, अगला करते हैं। द्विघात समीकरण कौन करेगा भैया इसको? 6x² - x - 2 कौन करेगा? कौन करेगा? 6 × 12 = 3 × 12 करो, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0 आया कि नहीं आया? ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, 6 × 12 और यहां बीच में 1 है, तो 3 और 4 दोनों का अंतर 1 है, टुकड़े कर दिए। करें क्या आप सब कर रहे हो? ये किया, ये कॉमन ले लिया, ये आ गया इसका। एक बार इसको रखा, 3x - 2 = 0, x = 2/3, और एक बार इसको रखेंगे, 2x + 1 = 0, x = -1/2। चलो मजा आ रहा है, तो बहुत इजी है भाई, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर टफ नहीं है, इजी है। गुणनखंड में बहुत सवाल किए, बहुत किए, 8th में किए 9th में किए, सबको याद होगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3x² - √6 और ये टुकड़े करें तो भी कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, तो ये तो वैसे टुकड़े करो तो ऐसे हो रहा है, 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। तीन दुनी छह, ये अंदर भी सियार है। और वैसे कोई बच्चा अगर समझे तो सीधा मालूम चल रहा है, ये √3x² करो, ये अंदर लिखो 2√6x, इसको ऐसे लिखो, रुको 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 रुको, ऐसे मत लिखो, देखो होल स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूं, ऐसे लिखो, हाँ यस, √3x² प्लस अपने क्या फॉर्मूला क्या था बताओ, a + b² का फॉर्मूला बताओ, a² + 2ab + b² था, ये मेरा a स्क्वायर, ये 2ab है कि नहीं, और ये मेरा b स्क्वायर, तो मेरा फॉर्मूला आ गया √3x - √2² अब जब मैं इसको रखूंगा = 0 तो x को दो बार लिखूंगा, x = √2/√3 और अंडर दो बार लिखूंगा, क्यों यहां पर स्क्वायर था इसलिए, ये मेरा आंसर आ गया। कुछ समझ में आया क्या? होल स्क्वायर है, और वैसे बुक वालों ने होल स्क्वायर नहीं बनाया, बुक ने तो ऐसे ही किया, कॉमन लेके किया, जैसे मैंने टुकड़े किए ऐसे इन्होंने भी कर दिए, और ये दो आंसर निकाल दिए।
चलो उदाहरण छ अनुच्छेद 4.1 में किए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं निकालिए। ये आपने फॉर्मूला बनाया था ना। प्रार्थना कक्ष शुरू शुरू में सबसे पहले ये रहा प्रार्थना कक्ष, इसका फॉर्मूला ये बनाया था ना, ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, बताओ, बिना देखे करके बताओ मेरे को। ये आ गया। हाँ, इसको लिखूंगा मैं 2x² + x - 300 = 600। 300 × 2 = 600। हाँ, टुकड़े कैसे करोगे? ये टुकड़े कर दिए इन्होंने तो ये टुकड़े हो गए 2x² - 24x + 25x - 300 = 0। 24 × 25 = 600 निकाला, ये आ गया। x = 1 तो आ जाएगा 12 और 1 आ जाएगा x = -25/2। ये आ गए उत्तर। इसको माइनस को आंसर नहीं मानते क्योंकि ये चौड़ाई का मामला है, इसलिए चौड़ाई होगी 12, फिर लंबाई निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। जब माइनस आता है ना तो कोई लंबाई चौड़ाई माइनस तो हो ही नहीं सकती। प्रश्नावली 4.2, मैं शुरू करूं उसके पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए और सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, तभी तो लगेगा कि आपको समझ में आया। इतना इजी है, 8th class के लेवल का है, 9th class के लेवल का है ना, तुमको सबको आता है, बस एक बार करने की देर है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब आ जाएगा। गुणनखंड विधि से हल करो, 5 question है। चलो x² - 3x - 10, 3 आना चाहिए और इधर गुणा 10 है, क्या करें? 5 × 2 = 10, हाँ हो रहा है, यस। माइनस का 5 प्लस का 2, ये आ गया। आया x कॉमन लिया, x - 5 + 2 आंसर आया, x - 5 और x + 2। तो एक एक बार अलग अलग रखेंगे, पहले क्या करना है, x - 5 = 0, तो x हो जाएगा 5 आंसर। दूसरा लिखोगे x + 2 = 0, ये बन जाएगा x = -2। ऐसे करना है। चलो ये कौन करेगा? 3 चौक, ये तो 6 × 2 = 12, 3 चौक 12, ये तो इजी है, ये तो इजी है। ये आ गया, एक बार x की - 2, एक बार 3/2। ये कैसे करोगे? अंडर रूट 2 है और उसको पहले 5 √2 से गुणा करो, तो ये तो हो जाएगा 5 × 2 = 10। अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, 5 × 2 = 10, तो इसके टुकड़े करो, ये 5 × 2 = 10 हो रहा अंदर भी, मस्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप से करो बच्चों, ऐसा देखो मेरे को देखने से मजा नहीं आएगा। ये कैसे टुकड़े किए, फिर x कॉमन लिया, अंदर क्या आया, √2x + 5, फिर √2 कॉमन लिया, √2x + 5 आया, दोनों ये आ गए, फिर अपन ने एक एक बार दोनों को 0 के बराबर रखा, तो √2x + 5 = 0, तो ये आ गया x = -5/√2 और सेकंड में x = -√2। ये वाला करेंगे, कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग है। इसका एक तरीका है मेरे पास, इसको मैं चाहूं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 8 को कॉमन लेके ये हो जाएगा 16x²
माइनस एट एक्स प्लस वन जीरो, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। फिर टुकड़े करूं, 16 चार चौक 16, हाँ ये टुकड़े भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा भाई, ऐसे ज्यादा अच्छा है। चार और चार दो टुकड़े कर लेंगे अपन, ये तरीका भी ठीक है, हाँ यही किया है। ओके ओके, चार और चार के टुकड़े कर दिए तो होल स्क्वायर हो गया भैया, तो x इज इक्वल टू 1/4, 1/4 दो बार आंसर आ गया। सबको आता तो है, गलती तो नहीं करोगे? कुछ बच्चों को लगेगा सर कहाँ से आंसर ला रहे हैं, x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 1/4 है ना, कोई डाउट तो नहीं है। एक और क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। इसमें क्या करोगे, 100 और 10 इंटू 10, बहुत इजी है यार, ये 10 इंटू 10, ये तो होल स्क्वायर हो गया। अच्छा 100x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1/10, 1/10 चलो हटाओ। उदाहरण नंबर एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर एक में समस्या कौन सी, वो जॉन वाली, जॉन और जीवंती वाली, अच्छा ठीक है, जॉन और जीवंती वाली समस्या लाओ। ये पहला जॉन और जीवंती वाली देखो, यही है क्या, उदाहरण नंबर एक, हाँ यही है। उदाहरण नंबर एक में जॉन और जीवंती वाली पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ये सॉल्व करनी है और दूसरी इक्वेशन ये सॉल्व करनी। हाँ अब पसीने छूटेंगे आपके थोड़े, अभी तक तो इजी इजी कर रहे थे आप, अब निकालो टुकड़े, थोड़ी लगेगी मेहनत। पच्चीस इंटू 30 ये 45 है, ये 324 है, देखते हैं कैसे की है। ये आया, जरा ये करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस की बात है, अलग अलग ट्राई करना पड़ेगा। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 324 आ रहा था, फिर तो हम काम कर लेंगे, x कॉमन लिया फिर 9 कॉमन लिया, ये आ गए x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9, जॉन वाले क्वेश्चन, जीवंती वाला। ये दूसरा वाला, इसके टुकड़े 30 और 25, ठीक है ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए साहब आगे चलते हैं, थोड़ा वापस से आ जाओ। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो ये हो, तो एक तो संख्या x है, एक 27 माइनस x है, दोनों का गुणा कर दो बराबर 182, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। बनाओ इक्वेशन, करो सॉल्व, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। x इंटू करो, क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कर दिया, ओ क्रमागत संख्या है, गलती हो गई। दो क्रमागत संख्या है, नहीं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ है। ये फॉर्मूला है, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ये है इक्वेशन, ये मिस हो गया है, ये मिस हो गया है।
क्वेश्चन नंबर चार करेंगे, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर छह, तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं अभी, चार पांच और छह, दो को भी तीन को भी आपको करना है। तीन में मैंने एक क्वेश्चन निकाल के रखी है, आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर चार पांच और छह आप एक बार खुद से कोशिश करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे अपन पढ़ेंगे आगे वाला पार्ट, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं उस पार्ट को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन नंबर वन जिसमें गुणनखंड द्विघात समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा, जो बहुत आसान है, और आने वाला जो टॉपिक है अब नेक्स्ट क्लास में वो थोड़ा सा अलग है लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक जितना पढ़ा उतना तैयारी करके रखिए और ये तीनों क्वेश्चन करके तैयार रहिए। ओके।